सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडिया। और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कृषि फसल बाजार के अपडेट की। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार में कृषि फसलों का वायदा बाजार और नॉन एग्री कम्युनिटीज का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोना इस वक्त $1,797 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर $22.4 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। कल के मुकाबले जो लेवल्स हैं गोल्ड और सिल्वर के, उनमें कुछ एक हल्की बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर में कल के मुकाबले आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। लेवल्स में जो कीमतें हैं जो, उनमें कुछ हल्का सा सुधार देखने को मिला है। सोना एक बार फिर से $1,800 के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी 3 पॉइंट की दूरी है, $1,797 पर है, लेकिन अभी भी 3 पॉइंट की दूरी कॉमेक्स गोल्ड में देखने को मिल रही है। और M6 गोल्ड 1 kg वाला वायदा 47,670 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और M6 सिल्वर 60,997 पर है मामूली सी करेक्शन के साथ। तो आज के कारोबारी सत्र में ये जो सोने में हल्की बढ़त बनी है, इसमें बिकवाली करके चलना सही रहेगा या फिर खरीदारी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड एक बार फिर से $1,800 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 3 पॉइंट की दूरी है $1,800 का लेवल टच करने में एक बार फिर से, लेकिन कल के मुकाबले कुछ कीमतों में कुछ सुधार है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, ये जो गोल्ड और सिल्वर में एक दिन गिरावट एक दिन तेजी, तो ये मंदी तेजी का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा और एक तरफा गिरावट या एक तरफा तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, मार्केट में ये कहना मुश्किल है कि एक तरफ रैली कब आएगी। और अभी देखिए जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि प्राइसेस के अंदर अपसाइड ही है और करेक्शन जरूर बनी है। जो अपडेट निकल कर आए थे उसके चलते थोड़ा सा डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई, जिसकी वजह से गोल्ड फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और गोल्ड के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग ही करनी चाहिए। और जो रेंज है उसी रेंज में आप देखिए लंबे अरसे से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा ना तो गिरावट है ना ही बहुत ज्यादा कोई बाइंग बनती हुई दिखाई दी है। एक सीमित दायरा है सोने और चांदी का, उसी सीमित दायरे में बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही दायरा अभी भी बना हुआ है, नीचे में $1,780 तो ऊपर में $1,840। अभी वापिस से $1,800 के ऊपर जाता है तो ऊपर में $1,840 तक की एक तेजी बन सकती है। और इंट्राडे मार्केट की बात करें तो इंट्राडे में भी 47,000 से 48,500 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है और उसी रेंज में बाजार है। और आज भी इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 47,800 तक से लेकर 48,000 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या ये लेवल्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने के लिए? इसमें लेकिन जो है जो स्टॉप लॉस है इसमें लंबा आएगा, अभी 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं कि आज शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $89 पर है और WTI $88 पर। आपको क्या लगता है, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं और जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, हमने देखा है कि UAE में भी हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन अटैक्स किए जा चुके हैं, तो ऐसे में जो सप्लाई बाधित हुई है और डिमांड एज इट इज़ है और जो ओपेक है उसके द्वारा प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है कच्चे तेल का, जैसे कि उसकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी पहले मीटिंग में तय हुई थी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या WTI और ब्रेंट दोनों ही $90 के भी पार जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है वो बिल्कुल फंडामेंटल सपोर्टिव है, इसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी है। और लेवल्स की बात की जाए तो लेवल्स में भी अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूशन में है। और अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि WTI $90 छू सकता है और ब्रेंट तो मुझे लगता है आज ही 90 के पार जा सकता है। और इनफैक्ट ब्रेंट में जो रेंज बनेगी वो 92 तक अपसाइड बन सकती है और WTI $90 तक अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटली अभी जो देखने को मिल रहा है उसके चलते ही बाजारों में
सपोर्ट है, डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है और सप्लाई काफी टाइट है, इस वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अभी तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस जो है वो 6700 से 6800 की रेंज तक अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.3 पर है, MCX जिंक 295 पर है, करेक्शन है, MCX निकल की बात करें तो 1685 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि जो निकल MCX पर 1800 के ऊपर निकल चुका था, अब वही 1700 के नीचे लुढ़क चुका है, 1685 रुपये पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या निकल में यहाँ से खरीदारी के मौके हैं, क्या ये अच्छे लेवल्स हैं एक बार फिर से तेजी की ओर जाने के, या फिर यहाँ से करेक्शन अभी और गहराने दिया जाए? देखिए अभी हल्की करेक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा सा प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है, ऊपरी स्तरों से बाजार जो है वो फिसलते हुए दिखाई दिए हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल का टेंशन जो है वो सभी जगह पर देखने को मिल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिमांड फैक्टर जो है इसमें भी कम होता हुआ दिखाई दिया है जिसकी वजह से बेस मेटल ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इनका अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, इंट्राडे में बाजार लुढ़क सकता है, आज के लिए बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, कॉपर नीचे में एक बार 728 तक की रेंज में आ सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी मुझे लगता है 292 के आसपास एक बार आ सकता है करेक्शन के चलते, और निकल में भी गिरावट जो है थोड़ी सी गहरा सकती है, 1680 से 1660 तक की रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन वहां पर निचले स्तरों पर वापस से मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म रखें, इंट्राडे रखें और इंट्राडे में बिकवाली करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आज के लिए आप इंटरडे में, नॉन एग्री में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? लेकिन नॉन एग्री में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए क्रूड में बाइंग करके चलना चाहिए, क्रूड में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।